नसीहत। दुश्मन है, मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा मेरे यार। पैसा देगी या नहीं देगी? बोल। सर मुझे खाने तक को सहारा कर्जा माफ। ये बोल
बता दोस्त, ये बुलबुल कहां से आ गई रे? कर्जा माफ हो गया। अरे ये बुलबुल को देखकर, ये बुलबुल को देखकर ही तो अरे हमारी गुस्सा खत्म हो गई यार। शांति, इधर आओ साहब, इधर आओ साहब। देखो मैं तेरा पैसा तो नहीं माफ कर सकता, परंतु तुझे एक उपाय बता सकता हूँ। उपाय साहब? तेरे पास इतनी कीमती वस्तु है कि तू पैसा भी दे देगी और तेरा कर्ज भी माफ हो जाएगा। साहब बोल, बताओ साहब, मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है साहब, चाहे मैं अपने पास खाए का न रखूं, मैं एक एक पाई तुम्हारा रुपया साहब। अरे शांति, अंगूरी उठा के बात नहीं। तेरे पास वो दौलत है, तेरे पास वो दौलत है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। साहब बता बता दो साहब, मैं बेच बिकर के एक एक रुपये दे दो साहब, खाए का न रखियो। मैं जानना चाहती है। हाँ साहब, तो सुन मेरी बात। और शांति, जो तेरे घर में महंगा सामान है, हमारे पास से ले जाना। ठीक कहा मेरे हुजूर। ऐ सुनो, हम तुझे सिर्फ 8 दिन की मोहलत देता हूं, और याद रख, अगर 8 दिन के अंदर रुपया लेकर आ गया तो तेरी बहन तुझे मिल जाएगी, वरना साले हमेशा हमेशा के लिए ये जमींदार की हवेली की रखाए तो जाएगी। दोस्त बनी बोल, शांति पैसा देगी या नहीं? शांति पैसा देगी या नहीं? साहब मोहलत दे दो साहब, कब दबाके साहब सब पैसा दे दो। मेरे यार दोस्त, उठा इस बुलबुल को और ले चल हमारी हवेली। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मोहलत दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा मेरी हवेली पहुंच जाना चाहिए, वरना याद रखना साले, तेरी बहन का वो हश्र करूंगा कि दुनिया में मुंह दिखाने नहीं। नसीब
सीहत ध्यान में रखना। चल रहा बेटा। माँ आज तक मुझसे नहीं बताया था कि मैं ठाकुरों से कर्ज लाया और पैसा ना पाने के कारण ये बहन को उठा ले गए। बेटा मैं सरला के बगैर नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी बेटा। और दरिंदो ने 8 दिन का वादा किया, अगर सरला को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इन्होंने 8 दिन का वादा किया है और कहा अगर 8 दिन में पैसा ना मिला तो हम तेरे सरला के साथ वो सलूक करेंगे कि वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएगी। अगर सरला को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन अपनी जान दे दूंगी बेटा। मैं कहीं परदेश चला जाऊंगा मां, मैं परदेश चला जाऊंगा और पैसा कमा कर लाऊंगा, सरला को अवश्य छुड़ाऊंगा मां। लेकिन बेटा 5,000 की रकम बहुत होती है, इतनी जल्दी कहां से इतना रुपया पाएगा तू? 8 दिन का वादा है, तू घबरा मत। क्या? तू घबरा मत, मैं बेटी के इज्जत के खातिर हर माँ हर बहन हर भाई के हर द्वारे द्वारे जाऊंगी, सबसे पैर पकड़ के अपने बेटे के इज्जत की भीख मांगूंगी बेटा। क्या माँ तुम बस्ती में जाओगी, माताओं बहनों के पास जाओगी और भैया लोगों के पास जाओगी, बहन सरला के लिए छुटाने के लिए भीख मांगोगी माँ? हाँ बेटा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सयानी लड़की है, वो आज इस गरीब की पुकार जरूर सुनेंगे। इसमें शर्म की बात नहीं है, जिनसे जो हो सके मेरे झोली में डाल देना, मैं चाहे भूखी रह जाती लेकिन तुमसे दामन नहीं फैलाती। आज अपने बेटे की इज्जत की भीख मांगती हूँ, जिनसे तो हो सके जरूर मदद कर देना। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, गरीबों की पुकार से गूंजे ये संसार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। हेलो, या गए हमारे राम नरेश, राम नरेश टेलर ये क्यों भावता से ये सल्लक छुटाने लिए 11 रुपए दे रहा, पांच को शुक्रिया धन्यवाद। ईश्वर सदा उनका भंडार भरे। गए हमारे मिथिलेश कुमार, यह गए हमारे मिथिलेश कुमार अभी निवासी है, ये सल्लक छुटाने 11 रुपए दे रहे, पांच को शुक्रिया धन्यवाद। भूखे
चंदपाल, या गए चंदपाल इसी गाँव से ये संलक्ष उठाए 11 रुपए दे रहे पालट को, शुक्रिया धन्यवाद। ईश्वर सदाम का भंडार भरे, कोई कमी ना हो, लेकिन हम गरीब उन्हें तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज जरूर दे देंगे, क्या? ये बाग तुम्हारा भरा रहे और घर बच्चों से भरा रहे, लेकिन बेटा, लेकिन 5,000 रुपया बहुत, 5,000 की रकम बहुत होती है बेटा, एक काम तू और करेगा। बोलो कौन सा काम है बेटा? काम ये है कि सरला को भी छुड़ाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं माँ? बेटा इस अपने रामनगर के बाहर नहरिया के उस पार, नहरिया के उस पार, हाँ बेटा, एक पठानों का पुरवा बसा हुआ है, वहां पर तेरे पिता के एक बहुत बचपन के दोस्त है बेटा। पिताजी के दोस्त? हाँ, जब तेरे पिता की तबीयत 2-3 बार खराब हुई थी तो उन्होंने बहुत बड़ी मदद किया था बेटा। जब तू छोटा सा 3 साल का था तभी तुझे देखे थे, तू उनके पास जा। लेकिन बेटा वो जात के मुसलमान जरूर है लेकिन ईमान के बहुत पक्के हैं, जिनका नाम है बेटा गफ्फार खान। नहरिया के उस पार रहते हैं? हाँ, एक पठानों का पुरवा बसा है, वहीं पर गफ्फार नाम के एक चाचा हैं, उनके पास जाओ और अपनी सारी मुसीबत बता देना। लेकिन हाँ एक बात है, तुझे तो बेटा बचपन में देखे थे, तू सयाना हो गया है, शायद वो तुझे पहचान ना पाए, अगर पूछे तो बता देना कि मैं शांति का बेटा हूं, पिताजी का नाम शेखू है, अपना भी नाम बता देना और कह देना कि बेटी को उन ठाकरों ने जबरदस्ती उठा ले गए, 8 दिन की मोहलत दिए, चाचा मुझे पैसा दे दो, वो जरूर तेरी मदद करेगा। ठीक है, मैं रामनगर शकपुरवा के बाहर जो पठानों का पुरवा है वहां जा रहा हूँ, चचा जान को पूरी कहानी बता दूंगा, हो सकता है हमारी मदद कर दें। मुझे विश्वास है मदद करेंगे, लेकिन हाँ वापस जब आना तो उनसे कह देना अच्छा अच्छा जी माँ बहुत याद करती है, कभी ना कभी घूम जाना। ठीक है, जाओ बेटा, बता दूंगा, जाओ। हेलो, अरे अरब के जाने वालों हिंद में वापस नहीं चरण
करके आया हूँ और बने दुर्बत मदीने में मुझे दर्शन लो। घबरा रहा हूँ मैं और मोहम्मद मुस्तफा मेरी खताएं माफ कर देना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरा ही नाम गफार खां है और मैं सी रामनगर चकपुरवा का निवासी हूं। क्या बताऊं दोस्तों, मेरा एक बहुत बड़ा जिगरी दोस्त था जिसका नाम था शेखू। शेखू बेचारा जब से मर गया मुझे उसकी बहुत बड़ी याद आती है। और क्या बताऊं, उसके बीबी और बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन क्या बताऊं मुझे कुछ कामों से टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनसे जाकर मुलाकात तक करूं। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी ना किसी दिन जाकर उनसे अवश्य मुलाकात करूंगा। चचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तो बेटा खैरियत है? खैरियत तो नहीं है चचा जान। ये बोलो क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आ रहे हो? चचा जान मेरा नाम सोनू है। सोनू? माँ का नाम शांति है, पिताजी का नाम शेखू, बहन का नाम सरला है। क्या तू शेखू का बेटा है? जी चचा जान। अरे बेटा मैं तो तुझे बचपन में देखा था जब तू बहुत छोटा से था, रेप तो बड़ा हो गया है। कैसी परेशानी है, क्या मुसीबत है बोलो? इस वक्त हम बहुत मुसीबत के मारे हुए हैं चचा जान। हमारे रामनगर चकपुरवा में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत उधम हो रहा है चचा जान। कैसा अत्याचार? अत्याचार हमारे यहाँ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का दबदबा चल रहा है साहब। उनकी जो मर्जी आती है वो करते हैं, जिसको 500 रुपया देते हैं उससे 10,000 रुपया लेते हैं। इतनी बड़ी अत्याचारी करता है? और हमारे इलाके में या रामनगर चकपुरवा में जिसका गौना होकर आता है उस दुल्हन की डोली वो अपने हवेली उठवा लेते हैं साहब। रात भर हवेली में रखते हैं और सुबह उसके मकान भेज देते हैं। उनका कानून नियम बहुत गलत चल रहा है। कभी मेरी माँ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से 500 रुपया कर्ज लाई थी साहब, पिताजी का इलाज कराया लेकिन वो बच नहीं सके। पैसा काफी अरसा गुजर गया, पैसा ना दिया और वो अपने साथियों को लेकर मेरे मकान आया चचा जान। अच्छा। मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, माँ को काफी मारा पीटा। यानी पैसा ना पाने पर तुम्हें मारा पीटा? जी। तो मैंने कहा पैसा कितना आपका है ठाकुर साहब, तो बोले 5,000। और माता जी कह रही थी मैं 500 रुपया कर्ज लाई हूँ, मैं ब्याज के 5,000 रुपया बोला इसी वक्त रुपया दो, अगर रुपया नहीं दोगी शांति तो। उतने में हमारी बहन आ गई, जब बहन को देखा तो उसकी नियत खराब हो गई, बोला माल तो तेरे पास है और तू कह रही है मेरे पास कुछ नहीं है। सरला को बात जबरदस्ती अपने हवेली उठा ले गया और बोला 8 दिन हमारे यहां रहेगी, अगर रुपया मिला तो हम 8 दिन के बाद वापस कर देंगे और अगर रुपया ना दिया तो सरला के साथ वो सुलूक करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि ये मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएगी। चचा जान माने हमको आपके पास भेजा है, बस्ती वालों ने तो कुछ पैसा दिया लेकिन 5,000 रुपया बहुत होता है, अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। बेटा सुनो सुनो चचा जान, तेरे जितने
कुछ न कमती मेरे पास लगते जिगर और कर्ज उसका चुका और ला बहन को छुड़ा कुछ न गम दिल में कर में बोलो तुम्हें कितने पैसे की आवश्यकता है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए जी? तुम्हारी बहन सरला 5,000 रुपए में छुटाएगी? छुटाएगी चचा जान। ठीक है, इसी जगह ठहरो, मैं भी ला कर देता हूँ। ठीक है। चलो देखो, इसमें रुपया 10,000 है। अच्छा, 10,000? 10,000 रुपए की गड्डी है ये। आप 5,000 दीजिए चचा जान, ये पैसा हम कैसे वापस कर पाएंगे? सोनू, ये पैसे तुम ले जाओ, ये पैसे हम तुमसे कभी वापस नहीं लेंगे। क्या वापस नहीं लेंगे आप? नहीं, तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत जिगरी दोस्त थे, हमारा उनका बचपन से ही दोस्ताना चला आता था और उनके बीमारी में भी हमने कई बार उनकी मदद किया, लेकिन वो बेचारा बचा नहीं, अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक कहते हो चचा जान, इसलिए तुम ये रुपया लेकर जाओ, इसमें से 5,000 रुपया तुम अपनी माँ को दे देना, वो अपने घर के खर्च में लगा लेगी जी। और 5,000 रुपया ले जाकर उस राम दादे ठाकुर के मुंह पर मारना। ठीक कहते हो। और अपनी बहन सरला को जितनी जल्दी हो सके उस कमीने के यहाँ से छुड़ा कर लाओ। चचा जान, और कोई परेशानी हो तो फिर आकर हमसे बताना। ये एहसान हम आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप मुसलमान ठहरे और मैं हिंदू, कोई राम कहता है कोई रहीम, कोई अल्लाह कहता है कोई भगवान। ठीक कहते हैं। जो खून आपके वही खून मेरे चचा जान। क्या तारीफ करूं मैं आपकी? अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, और भगवान एक है। प्याले अलग अलग अल्लाह कहो या राम।
अपनी बहन सरला को उस धरिंदो के यहाँ से चुरा कर लाओ। बहुत जल्द छुड़ाएंगे चचा जान, लेकिन माँ ने कहा था कि बहुत दिनों से आप हमारे घर नहीं आए, मौका लगा कर कभी चले आना, माँ याद करती हैं आपको। हमें भी बहुत याद आती है बेटा, लेकिन क्या बताऊँ, मैं घर में तन्हा रहता हूँ, मुझे कुछ कामों से टाइम नहीं मिलता, सोचता जरूर हूँ कि उनसे मुलाकात करूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक हफ्ता हो रहे हैं मैंने सरला से नहीं मिला, आज चलता हूं सरला के कमरा, सरला से मिलता हूं। चल रहा हूं।